छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ की ओर से कृषि मंत्री के निवास का घेराव किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ की ओर से नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत जिले के अंतर्गत आने वाले साजा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के गृह ग्राम मुहाभट्टा पहुंचकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने उनके निवास का घेराव किया है और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की है। सबसे एक सूत्री मांग है, हमारी मांग है नियमितीकरण। नियमितीकरण की मांग को लेकर आज हम लोग साजा विधानसभा क्षेत्र की मुहाभट्टा। कितने दिनों से आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में? कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल, लगभग सबको 5 से अधिक वर्ष हो चुके हैं शासकीय विभागों में काम करते हुए। लंबे लंबे समय हो चुके हैं कार्य करते हुए, कार्य अवधि सबकी लंबी हो चुकी है और आज वेतन इतना कम है सर, जिससे परिवार का गुजर बसर करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ एक प्रस्ताव और नियमितीकरण हेतु एक ज्ञापन दिया गया है। जो प्रस्ताव है शीघ्र हम लोग मंत्री जी के पास अग्रसित करेंगे।